तो आखिरकार 4 सालों के बाद ब्रह्मा बुल रॉक WWE में रिटर्न आ ही गए। आप लोगों ने कहावत सुनी है ना कि कभी कभी आंखों देखा विश्वास नहीं करना चाहिए, वैसा ही सिचुएशन करंट डे में मेरा भी है यार। सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि रॉक WWE में वापस आ गए, वो भी एक स्मैकडाउन के एपिसोड में। जब से रोमन ट्राइबल चीफ बने तब से अंदाजा लगाया जा रहा था कि रॉक WWE में रिटर्न करेंगे और रोमन उसको फेस करेंगे, लेकिन लोगों ने ये नहीं सोचा था कि रॉक एक स्मैकडाउन के एपिसोड में रिटर्न आ जाएंगे। इसी वजह से आप लोग के भी मन में सवाल होगा कि आखिर रॉक अटेंडम WWE वापस क्यों आ गए। देखो ऐसा है कि हॉलीवुड में करंट टाइम में स्ट्राइक स्ट्राइक चल रहा है, काम धंधा वहाँ का बंद है, इसी वजह से रॉक घर पर बैठे बैठे बोर हो रहे थे। इसी वजह से उन्होंने अटेंडम प्लान बना लिया कि चलो WWE में घूम फिर कर आ जाते हैं, वहाँ से कम पैसा छाप लेते हैं हॉलीवुड से बंद है तो। और कोई प्लान नहीं था रॉक का WWE वापस आने का। इसी वजह से आप लोग कह सकते हो करंट टाइम में रोमन और रॉक के बीच फाइट को लेकर कोई भी अभी 100% कंफर्म नहीं है। WrestleMania 40 में कोडी रोड्स और रोमन के बीच फाइट ही होगा। WWE इस पर बैठकर विचार करेगी क्या करना चाहिए, रोमन और रॉक के बीच मैच करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। हाँ WWE के लिए फायदा तो है, रोमन और रॉक के बीच मैच होगा तो WWE के लिए फायदा है, कोडी रोड्स वाले मैच से तो भी ज्यादा पैसा कमाकर रॉक देंगे, लेकिन रॉक अटेंडर मांगे इसी वजह से WWE के पास अभी इसके लेकर कोई भी प्लान नहीं था। तो अब WWE सोचेगी इस बात पर, तो इसके बारे में आपकी क्या राय आप लोग कमेंट करके जो बता सकते हो। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं ऐसे बेहतरीन रेशम वीडियो के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।